ट्रिपल सीट, वाह रे वाह, अच्छा है, हेलमेट भी नहीं पहने हुआ, हाथ को हेलमेट पहना है, बहुत अच्छा है, हाथ को लग ना जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल एंड थैंक्स फॉर ट्यूनिंग बैक टू माय चैनल। So guys, as reading the title, you guys must be aware what this video is all about. Yes, in today's vlog, we are going to cover 5th service of my RR310. So this will be the very last service of my RR310 inside warranty period. Exactly on next month, my RR310, the beast, is going to complete its 2 years. बहुत सारे parts change हो जाएंगे अपने RR310 के ऊपर on this service. So थोड़ा खर्चा ज़्यादा लगने वाला है. So you guys also must prepare for that. Also, आप लोगों को तो पता है फॉर माय RR310 सर्विस मैं हर वक्त जाता हूँ टू हरे कृष्णा TVS एट चारकोप मुंबई। अभी सुनने पड़ा है कि लास्ट 5 मंथ्स हो गए हरे कृष्णा TVS इज नॉट एनी मोर ऑपरेटेड बाय देम सेल्फ। करेंटली सुप्रीम TVS जो उल्लासनगर में उनका TVS का शोरूम है और थाने में भी है, वो लोग करेंटली ऑपरेट करे हरे कृष्णा TVS। देखते हैं कैसे एक्सपीरियंस रहता है इन हरे कृष्णा TVS विद दोज न्यू गाइज। तो अभी क्या करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्टली आपको मिलता हूँ ऑन बाइक। सो फ्रेंड्स, ये रही अपनी बीस्ट और आप देख सकते हो बाइक सर्विस का सिंबल आ चुका है। ऑल द डिटेल्स अबाउट दिस सिंबल आई ऑलरेडी मेंशन इन सेपरेट वीडियो, अगर आप लोगों ने देखा नहीं होगा तो आई विल रिक्वेस्ट टू वो वीडियो देख लेना। सो अभी करंटली बजे हैं 9:20, 10 बजे तक पहुँचना है मुझे। चलो लेट्स स्टार्ट। और सी यार, एक कंप्लेंट तो मेरे को हमेशा रहेगी RR310 के ऊपर, इसका क्लच ऑटोमेटिकली लूज़ हो जाता है यार। मुझको तो अभी आदत हो गई, खुद ही को आ जाता है अभी कैसे चेंज करना है, कैसे टाइट करना है। नए राइडर जिन्होंने परचेस किए बाइक, उनको थोड़ी ज़्यादा तकलीफ होती है एडजस्ट होने तक। तो इस स्क्रू से आप एडजस्ट कर सकते हो उसका प्ले। इफ़ यू गाइज वॉन्ट हाउ टू एडजस्ट द क्लच प्ले ऑन RR310, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, आप लोगों के लिए वीडियो बना देंगे। सो फ्रेंड्स, 5th सर्विस में क्या क्या होगा आपको आइडिया दे देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंजन ऑयल, इंजन फिल्टर चेंज हो जाएगा, एयर फिल्टर चेंज हो जाएगा और स्पार्क प्लग मैं चेंज करवा लूँगा। इवन स्पार्क प्लग की लाइफ अच्छी होगी फिर भी मैं रिक्वेस्ट देम टू चेंज इट, बिकॉज मैंने स्टार्टिंग वाले वीडियोस में बता दिया था, क्योंकि जब भी मुझे लगता है कि 1 मिनट के ऊपर मैं एक जगह पे खड़ा रहने वाला हूँ ऑन सिग्नल्स ऑन ट्रैफिक, सो मैं मेरी कीज ऑफ कर देता हूँ। सो ड्यू टू दैट आपके बाइक का इंजन घड़ी घड़ी स्टार्ट होता है। सो बिकॉज ऑफ दैट आई विल इंसिस्ट देम टू चेंज द स्पार्क प्लग और उसके बाद चेन स्प्रॉकेट चेन वो तो देखते हैं। अभी भी अपनी चेन स्प्रॉकेट की लाइफ बहुत अच्छी है बिकॉज आपका भाई बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करता है। एवरी 800 किलोमीटर्स आई लूप द चेन एंड वंस इन अ मंथ आई क्लीन इट। आज भी मैं उन लोगों से चेन लूप और क्लीन नहीं करवा लूँगा। व्हाई टू वेस्ट सच अ ह्यूज अमाउंट ऑन क्लीनिंग एंड लूपिंग द चेन, आप खुद कर सकते हो। इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू नो हाउ टू लूप द चेन, उसका वीडियो है अपने चैनल पर, देख लीजिए, आई बटन में अभी आ रहेगा, यू गाइज कैन चेक इट आउट। और ब्रेक पैड तो आपके भाई ने भी चेंज कर लिए है आगे के पीछे के। ऑयल फिल्टर और एयर फिल्टर भी एक एडवांस अपने पास लेके रख दूंगा, बिकॉज आप लोगों को तो पता ही है लास्ट सर्विस है, इसके बाद अपनी वारंटी पीरियड ख़त्म हो जाएगी बाइक की। सो हम अपनी बाइक का ही सर्विसिंग एंड R&D खुद कर सकते हैं। सो नेक्स्ट ऑयल इंटरवल जो होगा वो आपका भाई खुद करेगा, डोंट वरी, उसका व्लॉग डाल दूंगा अपने चैनल पर। सो आप लोगों को भी ऐड आ जाएगा कैसे इंजन ऑयल चेंज करते हैं ऑन RR310 और भी क्या क्या पार्ट चेंज होते हैं आपको बता दूंगा व्लॉग के आगे। सो फ्रेंड, हम पहुंच गए हैं हरे कृष्णा TVS। एग्जैक्टली 10:03 हुआ है, टाइम का ध्यान में रखिए, 10:03 के हम पहुंच गए। अभी देखते हैं कितने बजे यहां से बाहर निकलते हैं, लेट्स सी। बोलिए सर। गाड़ी हाँ, बाहर बाहर क्या हुआ, चालू नहीं हुआ अभी तक? चालू तो हो गया, बाहर चेक हो जाता है। ये नया चालू हुआ क्या? पहले तो इधर चेक करते थे, बाहर किधर लगाओ बताओ। ये नया अजब सिस्टम है भाई, जब हरे कृष्णा TVS ऑपरेट करते थे तब तो गाड़ी अंदर जाके फिर कार्ड बनता था, अभी तो गाड़ी बाहर रखने के लिए बोल रहे हैं। लेट्स सी, बहुत सारी नई नई चीज़ें देखने को मिलेगी बिकॉज ऑफ न्यू ऑपरेटर। चलो मैं आपको मिलता हूँ, एज द रिकॉर्डिंग इज नॉट अलाउड। 1 eternity later।
सो फ्रेंड्स, सर्विस रिमाइंडर तो चला गया, इट्स 3:02 एंड आई एम जस्ट नाउ गॉट द बाइक फ्रॉम हरे कृष्णा TVS. सो सर्विस में क्या क्या हो गया पूरा डिटेल्स आपको व्लॉग के आगे पता चलेगा. अभी बहुत लेट हो गया, 3 बज गए, सुबह 10 बजे आया था मैं, खाना भी नहीं खाया, तो यहाँ से निकलता हूँ और ऑन द वे आपको पूरे डिटेल्स बता देता हूँ. लेट्स चेक इट आउट, बाइक कैसे परफॉर्म कर रही है. क्लच थोड़ा और स्मूथ लगने लगा है एज आई चेंज माई क्लच केबल टू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू द इनवॉइस बिल. सो टोटल कॉस्ट मुझे पड़ी ऑफ शिफ्ट सर्विसेज 5430. क्या क्या पार्ट्स मैंने चेंज कर लिए लेट मी टेल यू. फर्स्ट ऑफ ऑल एयर फिल्टर चेंज कर दिया, ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ था तो पुराना वाला एयर फिल्टर भी अपने साथ रख लिया है इन केस ऑफ इमरजेंसी. ऑयल फिल्टर चेंज किया और ऑयल चेंज कर लिया टू TVS ऑयल, नॉट द मोटोल वन. और एक एक्स्ट्रा ऑयल फिल्टर इन फ्यूचर अपने R&D के लिए भी ले लिया है हमने. उसके बाद स्पार्क प्लग चेंज कर लिया मैंने. स्पार्क प्लग की लाइफ अभी भी अच्छी खासी थी तो उसके लिए पुराना वाला स्पार्क प्लग भी ले लिया है हमने. इमरजेंसी में कभी यूज़ करने पड़ा तो मुझे नहीं लगता पड़ेगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी घर पे एक्स्ट्रा स्पार्क प्लग है. स्पार्क प्लग, क्लच केबल और थ्रॉटल केबल अपने पास ऑलरेडी है घर पे. और एक बैड न्यूज़ है दोस्तों, अपना तो चेन का स्प्रॉकेट जो है वो चेंज करना पड़ेगा ऐसा बताया दिया है हमें. जो प्ले है वो टोटली चेंज हो चुका है. एक साइड पर आपको उस चेन टेंशन टाइट लगती है और एक एंगल में आप जब टायर रोटेट करते हो तो एक तरफ से लूज़ हो जाता है. सो इसके बारे में भी थोड़ी पढ़ाई करने के बाद पता चला आई एम नॉट द फर्स्ट वन. ऑलरेडी 5-6 R8 310 ओनर्स है जिनकी 20K किलोमीटर्स कंप्लीट हो चुके हैं अपने R8 310 के ऊपर, वो भी सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे थे. तो TVS ने सॉल्यूशन दिया, यू हैव टू चेंज स्प्रॉकेट किट. तो पूरा स्प्रॉकेट किट आपको चेंज करना है, दैट मीन द फ्रंट स्प्रॉकेट एंड रियर स्प्रॉकेट एंड चेन. सो हमने भी सोचा चलो चेंज कर लेते हैं, वाई टू टेक अ रिस्क. 20K तो हो गई अपनी बाइक, बट जब हमने कॉस्टिंग पूछी तो उन्होंने बताई भाई 7K फॉर कंप्लीट सेट और उसके ऊपर लेबर चार्ज अराउंड 800-900 रुपया लग जाएगा. हमको तो थोड़ी ज़्यादा लगी, तो हमने थोड़ी इंक्वायरी करने के बाद हमको पता चला बाकी की जगह पे, दैट मीन इन बेंगलोर, तमिलनाडु में एंड इवन दिल्ली में भी चेन स्प्रॉकेट की टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग लेबर 5000 के नीचे आ रही है. तो हमने तय कर लिया भाई यहाँ पे नहीं चेंज करेंगे, कुछ भी होने दो, why to waste 2K एक्स्ट्रा. तो चेन स्प्रॉकेट लेके आई विल ट्राई टू फिट इट myself, अदरवाइज आई विल टेक द हेल्प ऑफ टेक्नीशियन. सो इसी हायर प्राइस के ऊपर थोड़ी बात करते हैं. जैसे मैंने बता दिया था व्लॉग के स्टार्टिंग में कि हरे कृष्णा TVS इज नाउ ऑपरेटेड बाय सुप्रीम TVS. सो जैसे मैंने जॉब कार्ड बनाया तो उन्होंने एक चीज़ ऐड करते गए. फर्स्ट थिंग, बैटरी के ऊपर जो जेल लगता है तो उस जेल का वो प्राइस बता रहे थे 100 रुपीज़. और उसके बाद नाइट्रोजन फिल करने के लिए 100 रुपीज़ चार्ज कर रहे थे. भाई लोकल एरिया में अगर आप डालने जाओगे तो 25 रुपीज़ में डाल के हो जाएगा, वाई 100. और वो तो अभी चार्ज करने लगे भाई, इसके पहले अपनी जो 4 सर्विसेज हरे कृष्णा में हमने की, एक भी बार नाइट्रोजन एयर का कभी भी कॉस्ट नहीं लगाया था हमको, वो टोटल एयर फ्री दी थी हमको. इट शुड बी लाइक दैट ओनली बॉस. आपके यहाँ पे इतनी सर्विसिंग दे रहे, लेबर कॉस्टिंग दे रहे, दिस इज़ नॉट द फ्री सर्विस, पेड सर्विस कर रहे हैं, जिसके लिए भी उन्होंने लेबर चार्ज लगाया अराउंड 1000 रुपीज़ फॉर टोटल ओवरऑल लेबर चार्ज. आपने बिल इनवॉइस के ऊपर तो देख ही लिया. सो ओवरऑल कॉस्टिंग, एक मिनट और एक पॉइंट है हमारे पास. सो दूसरा पॉइंट है रिगार्डिंग द AMC. हरे कृष्णा TVS में यहाँ पे दे आर ऑफरिंग AMC फॉर R8 310 फॉर बैक्स 4 सर्विसेज. सो 4 सर्विसेज दे देंगे आपको, जिसके अंदर आपको लेबर चार्ज के ऊपर 10% ऑफ मिलेगा
स्पेयर पार्ट्स के ऊपर 10% ऑफ मिलेगा और उसके लिए आपको पे करने हैं 5,000 rupees. यस इट इज. सो दे आर टेकिंग 5,000 rupees एंड ऑफरिंग AMC फॉर 4 सर्विसेज विच इज हेल लॉट ऑफ मोर बॉस. सो रुपीज 5,000 फॉर 2 years फॉर 4 सर्विसेज, आई डोंट थिंक इट्स वर्थ. सो वॉट यू गाइज थिंक अबाउट इट, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, क्या 5,000 वर्थ है. सो आफ्टर दिस AMC टॉक मैंने पूछा भाई मुझको लेनी है RSA एक्सटेंडेड पॉलिसी. सो इन 2018 हम ओल्ड बायर्स को उन्होंने 2 साल RSA फ्री दिया था, दैट मीन अभी भी है फॉर नेक्स्ट 1 month फॉर मी एटलीस्ट. बट फॉर न्यू बायर्स जिन्होंने 2019 में परचेस की उनके लिए सिर्फ 1 year ही दिया था उन्होंने. और अगर एक्स्ट्रा 1 year का आपको लेना है तो 999 rupees में आ जाएगा ऐसा बता दिया था. सो सेम इंक्वायरी की हमने फॉर हरे कृष्णा भाई, हमको भी लेनी है 1 साल एक्सटेंडेड RSA पॉलिसी. सो उन्होंने बताया वो क्या होता है. हमने बताया भाई ऐसे ऐसे है, 2 साल तक हमको फ्री थी, अभी हमको एक्स्ट्रा लेनी है. सो दे आर नॉट अवेयर अबाउट दिस. सो उन्होंने कॉल किए, उनको पूछा ऐसे ऐसे है कस्टमर मांग रहा है, तो उन्होंने बोला हमारे पास तो नहीं है. बिकॉज जब मैंने फर्स्ट ट्राई किया था, जब अक्टूबर में TVS ने लॉन्च की थी RSA एक्सटेंडेड पॉलिसी, तो हम उसकी वेबसाइट पे गए थे, वहाँ पे ट्राई किया फॉर परचेसिंग इट, तो वहाँ पे उन्होंने बता दिया आप खुद नहीं परचेस कर सकते हैं, आपको आपके सर्विस प्रोवाइडर दैट मीन्स सर्विस सेंटर है उनको एजेंसी दी गई है, वो आपको RSA पॉलिसी निकाल के देंगे. सो सेम चीज़ मैंने ध्यान में रखी थी, दैट्स व्हाई आई आस्क हरे कृष्णा TVS भाई हमको लेनी है क्या करना है. और यहाँ पे सीन है कि उनको तो कुछ पता ही नहीं है अबाउट दिस. तो उन्होंने अराउंड 20 मिनट्स खड़ा किया मुझे एट बिलिंग काउंटर, यहाँ पे कॉल करो, वहाँ पे कॉल किया. और एंड में सॉल्यूशन मिला, सर हमको तो कुछ आइडिया नहीं है, आप आपका मोबाइल नंबर दे दो, 3-4 दिन में आपको बता देते हैं. हमने बोला नो वरीज, क्योंकि हम है जो फर्स्ट ओनर्स हैं 2018 में जो लिए थे, सो ये चीज़ इम्प्लीमेंट करने में स्टार्टिंग वाले तो हम ही हैं, तो हमको थोड़ी तकलीफ़ तो सहनी पड़ेगी. तो धीरे धीरे बाद में जैसे हर बाकी ओनर्स का 2 साल कम्प्लीट हो जाएगा तो वो सब क्वेरी आने के बाद TVS इसके ऊपर सॉल्यूशन निकाल लेगा. बट आफ्टर लॉन्चिंग इन अक्टूबर एंड इट्स जैन, अराउंड 3 महीने हो गए TVS ने अबाउट RSA एक्सटेंडेड पॉलिसी सर्विस सेंटर को कुछ आइडिया नहीं दी है, ये चीज़ तो सामने आ गई. सो फ्रेंड इन केस यू आर हैविंग RR 310 और आप लोगों ने अपना एक्सटेंडेड RSA पॉलिसी ले लिया है, सो गाइज डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कैसे लेना है, तो अपने सब्सक्राइबर लोग को भी हेल्प हो जाएगी, डू मेंशन इन कमेंट सेक्शन. सो फ्रेंड्स ये रही ओवरऑल सर्विस और कॉस्टिंग की बातें. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ बाइक इज परफॉर्मिंग नाउ. सो मेरी जो बाइक है जो मुझे पास मोर देन 1.5 month बोल सकते आप, एक जर्क दे रही थी सेकेंड गियर में, थर्ड गियर में डालने के बाद ऐसे बीच में ऐसा खींच रहा था इंजन मुझको, जिससे उसको एयर नहीं मिल रही थी, ऐसा मुझे फील हो रहा था ऑन स्लो राइडिंग्स नॉट ऑन हाई RPMs. बट आफ्टर इंस्टॉलिंग द न्यू एयर फिल्टर वो प्रॉब्लम अभी तो मुझे महसूस नहीं हो रहा है. और RR 310 का जो एयर फिल्टर है वो देख लिया ज़्यादा ख़राब नहीं होता है. अभी हमारा जो एयर फिल्टर था अराउंड 2 साल होने को आए उसको, अपनी जो बाइक है आप लोगों ने तो देख लिया कहाँ कहाँ घूम के आई है, तो इतना गंदा नहीं था. तो वो एक चीज़ माननी पड़ेगी बॉस, एयर फिल्टर इतना ख़राब नहीं होता है ऑन RR 310 लॉन्गर इंटरवल, दैट मीन 2 साल तक आप एक एयर फिल्टर यूज़ कर सकते हो. आफ्टर चेंजिंग द न्यू इंजन ऑयल एंड ऑयल फिल्टर इंजन थोड़ा और स्मूथ लगने लगा है, दैट्स इट. ये ओवरऑल चेंजेस मुझे महसूस हो रहा है ऑन माय बाइक आफ्टर कंप्लीटिंग द 5th सर्विस ऑन माय RR 310. ट्रैफिक बहुत है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल क्लोज दिस व्लॉग हियर. अगर इनकेस आप लोगों को ये व्लॉग यूजफुल लगा या कुछ इन्फॉर्मेशन आप जानना चाहते हो मुझसे, बिंदास कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो, आई विल ट्राई टू रिप्लाई इट, बिकॉज
मैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो जो कमेंट आती है उसको 100% रिप्लाई करने का ट्राई करता हूँ। तो अपना जो रिप्लाई रेशो है वो 100% है। रेव करते हैं। ओहो, वाइब्रेशंस तो लो लग रहे हैं। वैसे तो मुझको वाइब्रेशन इतने महसूस नहीं हो रहे हैंडल बार के ऊपर जब मैं बाइक 6 के RPM पे रेव कर रहा हूँ इन फोर्थ गियर। सो फ्रेंड, दिस इज सागर। अंटिल योर नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।